नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर सेवन में और मैं आपको बढ़ाऊंगा हवा महल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हवा महल है कहाँ। यह है जयपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों। और ये बनाया किसने, इसका निर्माण कार्य कराया सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह। और ये कब पूरा हुआ, ये पूरा हुआ 1799 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और इसका जो है, इसमें क्या है, इसका इससे क्या है कि इतना ये फेमस है, आज भी 1799 का होना आज भी फेमस है और आज भी स्थिर है। ये स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं, ठीक है दोस्तों। ये 5 मंजिला है और ये जो 953 खिड़कियां हैं, ये सबके सब पूर्व दिशा की तरफ खुलती है। इनका मुंह पूर्व दिशा की तरफ है, जो इनका नजारा देखा जाएगा वो पूर्व दिशा की तरफ से देखा जाएगा। और ये क्यों बनाया गया, ये जो राजपूत वंश की रानी थी उनको शाही गणगौर प्रोग्राम दिखाने के लिए, शाही गणगौर प्रोग्राम दिखाने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि जयपुर का शाही गणगौर फेमस है पूरे इंडिया के अंदर। और ये जो बनाया गया, ये लाल पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से। और ये पत्थर कहां से आए, यह है अलवर से, और इसलिए इसको लाल मंदिर भी बोलते हैं। हवा महल का एक उपनाम भी है, यह है लाल मंदिर। और इसका वास्तुकार कौन था, इसका वास्तुकार था लालचंद उस्ताद। ये भी इसने भी जयपुर के निर्माण में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, जयपुर के उसके नक्शे वक्शे के अंदर। और जो इसके 5 मंजिल, इनके 5ों के अलग अलग नाम है और ये हर के पीछे मंदिर लगा। जैसे पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर है, दूसरी मंजिल का नाम रतन मंदिर है, और तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर है, जो चौथी मंजिल है उसका नाम प्रकाश मंदिर है, और जो पांचवी मंजिल है, पांचवी मंजिल का नाम है हवा मंदिर। और ये जो बना हुआ है, ये कौन सी शैली के अंदर है, ये मुगल राजपूत शैली के अंदर बना हुआ है, मुगल प्लस राजपूत शैली, ये दोनों के सामंजस्य से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये अलग, ये स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। और दोस्तों ये क्या है, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हवा महल जयपुर के अंदर है, इसका निर्माण कार्य सवाई प्रताप सिंह ने कराया, और कब कराया, ये 1799 ईस्वी में कराया था। इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं, 5 मंजिला है, सारी खिड़कियां पूर्व दिशा की तरफ खुलती है, और ये शाही गणगौर प्रोग्राम दिखाने के लिए, जो राजपूत वंश की रानी थी उनके लिए बनाया गया। ये लाल पत्थरों से निर्मित है और ये लाल पत्थर अलवर से आए हैं, और लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको लाल मंदिर कहा गया। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद था। और ये इसकी 5 मंजिलों के नाम है, जैसे शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, और ये मुगल और राजपूत शैली से निर्मित है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल जो सुपर सेवन है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी टीम आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दे रही है। हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि हमने जनरल साइंस, हिस्ट्री और मैथ्स आदि के स्टार्ट कर दिए हैं। तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।